सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के इस चैप्टर में मैं ये नेक्स्ट अपना सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने डिमांड का मीनिंग, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करी थी। नेक्स्ट इस वीडियो में मैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं डिटेल में। क्या है ये लॉ, इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों अप्लाई होता है और इसकी एक्सेप्शंस क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि डॉक्टर मार्शल ने दिया। ये कंज्यूमर के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। ये लॉ हम सभी लोग, आप मैं, हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जब भी आप मार्केट में किसी कमोडिटी को खरीदने जाते हैं तो आप इस लॉ के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करते हैं। जब भी कोई दुकानदार आपसे कमोडिटी का प्राइस ज्यादा मांगता है तो आप भाव तोल करते हैं, या तो आप नहीं परचेज करते या आप डिमांड कम कर देते हो। जब आपको कोई चीज सस्ती लगती है तो आप ज्यादा परचेज कर लेते हो। यही है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड डॉक्टर मार्शल का दिया हुआ लॉ है। इस लॉ के मुताबिक, लॉ क्या कहता है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड। इफ प्राइस इज हाई डिमांड विल बी लेस एंड इफ प्राइस इज लेस डिमांड विल बी मोर। ये इनवर्स रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। यहां पे एक चीज ध्यान देना जरूरी है। डेफिनेशन में जो लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मतलब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम मतलब प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन तो है, लेकिन ये तभी होगा जब अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स सेम रहेंगे। जानते हैं मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिमांड के कई सारे फैक्टर्स बताए थे, तकरीबन 11 फैक्टर्स इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ये बताया मैंने आपको, प्राइस, फ्यूचर प्राइस कमोडिटी का, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सो लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और डिमांड में तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन जो बाकी के फैक्टर्स हैं, इनकम, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदर कमोडिटीज का प्राइस, इन सबको साइड पे कर दिया जाए, इनको कांस्टेंट मान लिया जाए, तभी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन आएगा। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। मैं थोड़ा और एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मार्केट में कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, 10 रुपए का प्रोडक्ट 12 रुपए का, 15 रुपए का हो जाता है, तो लॉ ऑफ डिमांड की माने तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जानी चाहिए। लेकिन प्राइस बढ़ गया, आपकी इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ गई, आपकी इनकम प्राइस तो 2 रुपए 5 रुपए बढ़ा है, लेकिन आपकी इनकम 10 गुना ज्यादा बढ़ी, मतलब हजारों में बढ़ी आपकी इनकम, थाउजेंड्स रुपीज में आपकी इनकम बढ़ी। सो प्रोबेबली यू मे नॉट केयर अबाउट राइज इन प्राइस। हो सकता है प्राइस के बढ़ने के बावजूद आपकी डिमांड या तो उतनी ही रहे या आपकी डिमांड भी बढ़ जाए, प्राइस भी बढ़ गया आपकी डिमांड भी बढ़ गई। कारण, क्योंकि आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो इस वजह से तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, प्राइस बढ़ गई आपकी डिमांड भी बढ़ गई। कारण, क्योंकि इनकम बढ़ी थी। सो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन तभी तभी आएगा अगर अदर फैक्टर्स जैसे कि इनकम, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, इसको साइड पे कर दिया जाए, इनको कांस्टेंट मान लिया जाए, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। इसको हम
एक और वर्ड से जानते हैं, वो वर्ड है सिट्रस पेरिबस। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग दी सेम को हम लैटिन लैंग्वेज में सिट्रस पेरिबस भी बोलते हैं। सो लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन ये इनवर्स रिलेशन तभी होगा जब अदर फैक्टर्स को साइड पे कर दिया जाए, कॉन्स्टेंट मान लिया जाए। अंडरस्टूड बेटा? अच्छा, हर लॉ, हर थ्योरी इकोनॉमिक्स में कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है। सो यहां पे भी यही एजम्पशंस कुछ है। एजम्पशंस लॉ तभी अप्लाई करेगा अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये रिलेटेड गुड्स क्या है, हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने मिस करी है वो वीडियो तो जरूर देखिएगा। ये जो रिलेटेड गुड्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। सो लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई करेगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज ना आए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कोक एंड पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। बात करते हैं पेप्सी की। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो आइडली उसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए पेप्सी का प्राइस 5 रुपए बढ़ा है, बाकी सभी कोल्ड ड्रिंक्स का प्राइस 20-25 रुपए बढ़ गया, तो 5 रुपए प्राइस बढ़ने के बावजूद भी पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि बाकी कमोडिटीज का प्राइस तो और भी ज्यादा बढ़ा है। सो पेप्सी के केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, इसीलिए मानते हैं अदर जो रिलेटेड गुड्स जो है उनका प्राइस कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, कोई चेंज ना आए। फिर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज ना आए, कंज्यूमर ये ना एक्सपेक्ट करे फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा, फ्यूचर में उसकी इनकम चेंज होगी, फ्यूचर कंडीशंस कैसी होंगी ये भी ना एक्सपेक्ट करे, क्योंकि अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, मान लीजिए आज प्राइस हाई है, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा, तो हो सकता है आज के हाई प्राइस पे डिमांड और ज्यादा हो जाए। सो फ्यूचर में कंडीशंस, इनकम, प्राइस कांस्टेंट रहे, कोई चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हम। गवर्नमेंट के टैक्स में कोई चेंज ना आए, गवर्नमेंट की सब्सिडीज में कोई चेंज ना आए, हमारा टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन ये भी न्यूट्रल रहे, ये बहुत ज्यादा इन फेवर स्ट्रांग ना हो, बहुत ज्यादा अगेंस्ट ना हो, न्यूट्रल रहे। सो लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई करेगा अदर थिंग्स यानी कि अदर फैक्टर्स शुड रिमेन सेम। सो ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स ही हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है उसमें ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ही है, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट रहे, चेंज ना हो, ऐसे ही रहे। लॉ ऑफ डिमांड ने बताया प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम। क्लियर है दोस्तों? इस लॉ को हम एक बड़े ही सिंपल टेबल और बड़े ही सिंपल डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास टेबल है, हमारे पास डिमांड है, जैसा हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, हम देख रहे हैं जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर की डिमांड यूनिट्स में रिड्यूस होती जा रही है। सो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। इसी शेड्यूल को हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। 10 रुपए प्राइस 50 डिमांड, 10 रुपए प्राइस 50 डिमांड, फिर प्राइस बढ़ के 50 हो जाता है, डिमांड रिड्यूस होके 10, प्राइस जब 50 हो जाता है डिमांड तब 10 हो जाती है। सो इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके हमें एक डिमांड कर्व मिलता है। ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डीडी इज डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। सो हमने मीनिंग डिस्कस किया, हमने फिर उसका एजम्पशंस डिस्कस किया डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का, देन हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन के बाद हम देखते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा। प्राइस और डिमांड में हो सकता है इनवर्स रिलेशन हमें देखने को ना मिले। कौन सी है ये कंडीशंस, आइटम्स, कंज्यूमर्स? सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, वेपलन गुड्स, इसे हम प्रेस्टीजियस गुड्स भी बोलते हैं। वेपलन गुड्स क्यों बोला जाता है, ये लॉजिक वेपलन एक इकोनॉमिस्ट है उसके नाम से जाना जाता है।
मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ डिमांड जो कि इनवर्स रिलेशन को एक्सप्रेस करता है डिमांड और प्राइस में, वेबलन नाम का इकोनॉमिस्ट कहता है गोल्ड और डायमंड पे ये लॉ नहीं लगेगा। वेबलन कहता है मार्केट में कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जैसे कि डायमंड एंड गोल्ड, इसको हम इसीलिए परचेस करते हैं क्योंकि ये महंगी है, इसको हम इसीलिए परचेस ज्यादातर इसलिए परचेस करते हैं क्योंकि हमें शो ऑफ करना है, सोसाइटी में अपना दबदबा दिखाना है, इसीलिए हम परचेस करते हैं। कल को इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाती है तो ये आम वस्तुएं रह जाएंगी, इनको हम इनकी डिमांड मार्केट में नहीं जनरेट होगी। किस किस मुंह से हम शो ऑफ करेंगे इतनी मामूली सी कीमत की कमोडिटी को। आप देखिए एक लेडी जिसका बर्थडे है वो शो ऑफ करती है ये गोल्ड की रिंग है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी है, शो ऑफ कर रही गोल्ड की रिंग है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी है मेरे बर्थडे पे। फिर क्या ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं अल्टीमेटली अपना स्टेटस दिखाना चाह रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं ये देखो गोल्ड की रिंग, हम ऐसे वैसे लोग नहीं है। अच्छा इस लेडी ने ऐसा क्यों नहीं कहा ये देखो आयरन की रिंग है मेरे हस्बैंड ने मुझे दी मेरे बर्थडे पे, आयरन की रिंग सुनने में ऑड नहीं लगता? यस लगता है बहुत ज्यादा, आयरन की रिंग 20 रुपए 60 रुपए आएगी, सब 60 रुपए किलो आयरन है रिंग जो बनेगी पता नहीं कितने ग्राम की, ये तो 5-6-7-10 रुपए तक की रिंग, 10 रुपए की रिंग गिफ्ट करी, वो दबदबा कैसे आएगा सोसाइटी में, वो धौंस कैसे बनेगी। सो कहने का मतलब अगर गोल्ड भी ऐसा ही हो जाए सस्ता इतना ज्यादा, फिर आयरन के साथ जो आयरन की धजियां उड़ी हैं उसकी इज्जत की, वही गोल्ड की भी इज्जत की धजियां उड़ेंगी। ओल्ड ये जो गोल्ड है इसका भी दबदबा नहीं रहेगा मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो ये जो डायमंड एंड गोल्ड है इसकी डिमांड इसीलिए है क्योंकि ये महंगा है, कल को इसका प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है और वहां पे स्टेबल हो जाता है ये एक आम मेटल और एक आम स्टोन रह जाएगा तो इसका इतना ज्यादा दबदबा नहीं होगा, ये अपनी रेलेवेंस को लूज कर जाएंगे प्रोडक्ट्स, इसलिए प्राइस के फॉल होने से इनकी डिमांड भी फॉल हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड यहां पे अप्लाई नहीं करेगा। इग्नोरेंस, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इग्नोरेंस कंज्यूमर की इग्नोरेंस पे भी लॉ नहीं अप्लाई करेगा, क्यों कैसे? देखिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है हाई प्राइस है तो आप डिमांड नहीं करेंगे या कम करेंगे। मैं एक कस्टमर इग्नोरेंस कस्टमर हूं, एक प्रोडक्ट परचेज करने जाता हूं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता इस प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस क्या है, मैं तो पहली बार परचेज करने जा रहा हूं भाई, मैं पहली बार परचेज करने जा रहा हूं मुझे नहीं पता इस प्रोडक्ट का सही प्राइस क्या है, एक दुकान पे जाता हूं उसने मुझे प्राइस डबल बताया, मैं परचेज कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मैं सोच रहा हूं यही उसका एक्चुअल प्राइस है। सो जब कंज्यूमर इग्नोरेंट होता है उसको मार्केट के सही प्राइस के बारे में अंदाजा नहीं होता तो ऑब्वियस है वो हाई प्राइस पे भी प्रोडक्ट को डिमांड कर लेगा क्योंकि वो हाई प्राइस को ही प्रोडक्ट का नॉर्मल प्राइस समझेगा, ऐसे में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। फिर प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप, ये प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप क्या है? लोगों की सोच से रिलेटेड, लोगों का सोचना है हाई प्राइस प्रोडक्ट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, लो प्राइस प्रोडक्ट है बैड क्वालिटी, मींस मेनी पीपल कोरिलेट प्राइस विद क्वालिटी, हाई प्राइस प्रोडक्ट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, लो प्राइस प्रोडक्ट बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, ये लोगों की सोच हो जाती है। इमेजिन कीजिए एक रेडी मार्केट में फुटपाथ पे जाके मैं एक दरी बिछा के बैठ जाता हूं और आईफोन 10 बेचता हूं, दरी बिछा के आईफोन 10 5,000 रुपए का, आप कहोगे क्या ये क्या मजाक है? नहीं, एक सर्वे करके देखते हैं, दरी बिछा के बैठ जाता हूं आईफोन 10 बेचता हूं 5,000 रुपए का, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बिकेगा, हो सकता है बिके, कुछ लोग खरीदे, बट बहुत सारे के माइंड में ये दिमाग में एक डाउट 5,000 का कैसे,
इतना महंगा फोन 5000 का कैसे खराब होगा, नहीं लेना। सो जिन लोगों के माइंड में डाउट आया ना कि कैसे 5000 का खराब होगा, डुप्लीकेट होगा, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। जो खरीदेंगे खरीदें, उनके ऊपर अप्लाई करेगा, बट जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आ गया कि ये तो कुछ डाउटफुल भैया गड़बड़ी वाला मामला है, यहां पे कुछ गड़बड़ है, ये प्रोडक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे लोगों ने प्राइस को क्वालिटी के साथ कोरिलेट किया और ऑब्वियसली है। देन डिफरेंट गुड्स, मेरी बात को यहां पे आपको डेफिनेशन और डिफरेंट गुड्स का एक्सप्लेनेशन सिर्फ दो लाइन में नजर आ रही होगी, लेकिन आपको इसकी एक्सप्लेनेशन तह तक सुनने के लिए मेरे ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में सुनना पड़ेगा। डिफरेंट गुड्स अदरवाइज लो क्वालिटी, गुड बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हुआ क्या, अदरवाइज ये गिफिन जो है, ये गिफिन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, सर गिफिन इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट है। अच्छा, मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड दिया, मार्शल ने कहा प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। सो मार्शल ने जब ये लॉ ऑफ डिमांड दिया, सर गिफिन ने इसके लॉ को टेस्ट किया अलग अलग जगह जाके, अलग अलग लोगों के ऊपर, अलग अलग टाइम पे, सभी लोग वैसा ही बिहेव कर रहे थे जैसा मार्शल ने बताया, हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड। सो गिफिन को मार्शल का लॉ सही होता हुआ नजर आ रहा है हर जगह, लेकिन अपनी इस रिसर्च, अपनी स्टडी के अंदर उसने इंग्लैंड की एक फैक्ट्री के वर्कर्स को भी स्टडी किया। वहां पे उसने देखा कि वो जो वर्कर्स हैं मेनली अपनी प्रोडक्ट को दो कमोडिटीज पे स्पेंड कर रहे हैं, दो कमोडिटीज पे, ब्रेड एंड मीट। ध्यान से सुन रहे हैं, ब्रेड एंड मीट पे फोकस कर रहे हैं। ब्रेड उनकी कंजम्पशन में बैड क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता था, और ये जो मीट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता था। गिफिन ने उसी स्टडी किया, कुछ टाइम के बाद ब्रेड जो कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट था उसका प्राइस गिर गया। सो ये एक्सपेक्टेड था कि इसका प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रेड का प्राइस गिरा, लोगों ने, वर्कर्स ने उसकी डिमांड भी गिरा दी। गिफिन नहीं समझ पाया कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ, अभी तक तो हर जगह जब भी मैंने किसी भी प्रोडक्ट को लिया प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ जाती थी, ब्रेड के केस में प्राइस के गिरने से डिमांड कैसे गिरी, ये गिफिन नहीं समझ पाया। फिर उसने रिसर्च करा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं आपको, एक इक्वेशन के तौर पर, हालांकि क्वेश्चन में ये इक्वेशन नहीं लिखनी होगी, क्वेश्चन में गिफिन गुड्स के बारे में सिर्फ इतना ही लिखना होगा, बट गिफिन की कैलकुलेशन क्या थी वो मैं आपको जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके लिए एक एग्जांपल मैंने कोट किया है। हम मान लेते हैं कि कंज्यूमर अपनी इनकम को दो कमोडिटीज पे स्पेंड कर रहा है, वीट जो कि गुड क्वालिटी है, वी आर एज्यूमिंग, बाजरा विच इज बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, अगेन वी आर एज्यूमिंग, राइट। कंज्यूमर के पास 25 रुपए, वीट का प्राइस हमने 10 रुपए केजी मान लिया और बाजरा का प्राइस हमने 5 रुपीज केजी मान लिया एजम्पशन के बेस पे। तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि 25 रुपए को इन दो कमोडिटीज पे कैसे स्पेंड कर रहा है। 1 केजी वीट खरीदा 10 रुपए का आएगा, 3 केजी बाजरा खरीदा 15 का आएगा, दोनों को मिला के उसने 25 रुपए स्पेंड कर दिए, राइट। अब जिस तरह से अभी मैंने बताया था ना, ब्रेड का प्राइस गिरा, उसकी डिमांड गिर गई, ब्रेड लो क्वालिटी प्रोडक्ट था, ठीक इसी तरह लो क्वालिटी प्रोडक्ट बाजरे का प्राइस मैं गिरा रहा हूं। यहां पे बाजरे का प्राइस हम गिरा देते हैं और हम मानते हैं बाजरे का जो प्राइस है वो गिर के, पहले 5 रुपए लिया था, बाजरे का प्राइस 2.5 रुपए हो गया, 2.50 रुपए, बाजरे का प्राइस 2.50 रुपए हो गया, तो वीट का प्राइस उतना ही है 10 रुपए किलो। अब 25 रुपए से क्या लेगा, 2 किलो वीट परचेस किया 20 का, बाजरा 2 किलो परचेस किया 5 रुपए से 2.5 रुपए हो गया है, 2 किलो बाजरा कितने का आएगा 5 रुपए का, 20 + 5 = 25 रुपए। 4 किलो क्वांटिटी पहले भी आई थी, 4 किलो क्वांटिटी अभी भी आई,
पहले भी 2500 रुपए स्पेंड हुए, अभी भी। लेकिन कंज्यूमर पहले कॉम्बिनेशन की बजाय ये कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा, क्योंकि यहां पे गुड जो क्वालिटी है उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। यहां से जो पैसा बचा वो शिफ्ट कर दिया गया यहां पे। ऐसा करके रैशनल कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। सो गिवन गुड्स आर दोज लो क्वालिटी गुड्स इन केस ऑफ विच प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, विद फॉल इन प्राइस देयर डिमांड ऑल्सो फॉल्स। ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। सो लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां अप्लाई नहीं करता? वेबलैंड गुड्स, प्रेस्टीजियस गुड्स, गोल्ड डायमंड। लॉ ऑफ डिमांड कहां अप्लाई नहीं करता? कंज्यूमर की इग्नोरेंस पे। देन कहां अप्लाई नहीं करता? प्राइस क्वालिटी रिलेशन, जहां पे हम प्राइस को क्वालिटी के साथ कोरिलेट करते हैं, और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि गिफ्ट गुड्स है वहां पे भी अप्लाई नहीं करता। सो ये रहा हमारा लॉ ऑफ डिमांड। हमने मीनिंग डिस्कस किया, एजम्पशंस डिस्कस करी, टेबल डायग्राम से एक्सप्लेनेशन और किन चीजों पे अप्लाई नहीं करता ये डिस्कस किया। अब लॉ ऑफ डिमांड से ही रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई करता है? प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हाई प्राइस पे हम कम डिमांड करते हैं, कम प्राइस पे हम हाई डिमांड करते हैं? तीन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग, लेकिन आंसर एक ही सबका। लॉ ऑफ डिमांड जो कि प्राइस और क्वालिटी में, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन एक्सप्रेस करता है, ऐसा क्यों होता है कि इंसान लो प्राइस पे हाई डिमांड, हाई प्राइस पे लो डिमांड करता है? ऐसे कुछ फैक्टर्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से सबसे पहला पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन क्या है ये लॉ ऑफ डीएमयू? ये भी लॉ मार्शल का ही दिया हुआ लॉ है। यूटिलिटी के चैप्टर में ये लॉ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप ये लॉ के बारे में डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस के मेरे सेकेंड वीडियो को जरूर देखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एनीवेज ये लॉ कहता है जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करता है ना, सेटिस्फेक्शन गिरती जाती है। सो आप जरा देखिए, जब ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन गिर जाती है। और आपको मालूम है हर इंसान सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ही प्राइस पे करता है। अगर कंज्यूमर होने के नाते मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो मैं ज्यादा प्राइस दूंगा, लेकिन अगर मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो मैं कभी ज्यादा प्राइस नहीं दूंगा, मैं कम ही प्राइस दूंगा। अब देखिए लॉ ऑफ डीएमयू, ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर ली ना तो सेटिस्फेक्शन गिर जाएगी, जब सेटिस्फेक्शन गिरेगी तो प्राइस भी कम पे करूंगा। यह है लॉ ऑफ डीएमयू। इस लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से क्वांटिटी और प्राइस में इनवर्स रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, हाई क्वांटिटी लो प्राइस। हाई प्राइस पे हम लो डिमांड क्यों कर रहे हैं? कारण, या लो प्राइस पे हाई डिमांड कर रहे हैं? कारण, हाई डिमांड करने से, हाई क्वांटिटी कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन गिरती है, और सेटिस्फेक्शन कम मिलती है तो इसलिए हाई डिमांड पे हम लेस प्राइस पे करते हैं। ये हो गया हमारा प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट, डिफरेंट बायर्स। मार्केट में भाई अलग अलग तरीके के बायर्स हैं, सभी एक जैसे नहीं है, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ मिडिल क्लास। जब कमोडिटी का प्राइस हाई है तो सिर्फ रिच परचेज कर रहे हैं, क्योंकि रिच तो थोड़े से ही हैं, तो डिमांड थोड़ी है हाई प्राइस पे। प्राइस थोड़ा गिरा तो भैया मिडिल इनकम ग्रुप की भी बजट में आ गया, तो मिडिल इनकम भी ग्रुप वाले भी परचेज करने लग गए, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई। और गिरा तो गरीबों की भी बजट में आ गया, तो गरीबों ने भी परचेज करना स्टार्ट कर दिया, नंबर ऑफ बायर्स और बढ़े, डिमांड और बढ़ गई। सो जैसे जैसे प्राइस गिरता गिरता है, पहले हाई इनकम, फिर मिडिल इनकम, फिर लो इनकम, सारे परचेज करने लग जाते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये हो गया प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन। अल्टरनेट यूजेस, ये क्या कहता है? सुनिए, बहुत सारी कमोडिटीज के अल्टरनेट यूजेस हैं। मैंने एग्जांपल मिल्क का लिया है। मिल्क को एज इट इज पी लो, खुद पियो, बच्चे को पिलाओ, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, कर्ड, खीर,
और मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, योर चॉइस फॉर विच पर्पस यू वॉन्ट टू यूज मिल्क. अच्छा, व्हेन प्राइस इज हाई विल ट्राई टू यूज इट फॉर मोस्ट एसेंशियल पर्पस. ये मोस्ट एसेंशियल पर्पस किसी के लिए सिर्फ चाय हो सकता है, किसी के लिए बच्चे को पिलाना हो सकता है. हाई प्राइस है तो इसीलिए हम सिर्फ इसे मोस्ट एसेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, एक या दो, तो इसीलिए इसकी डिमांड कम है क्योंकि एक दो पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. जैसे ही प्राइस गिरेगा हम लेस एसेंशियल पर्पस के लिए भी इसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे. कर्ड बना रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पर्पसेस बढ़ जाएंगे इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी. सो प्राइस के कम होने से नंबर ऑफ पर्पसेस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है. देन रियल इनकम इफेक्ट. रियल इनकम इफेक्ट क्या होता है? परचेजिंग पावर, हमारी इनकम की परचेज करने की कैपेसिटी. अब जब कमोडिटी का प्राइस गिरेगा तो गिवन इनकम से हम ज्यादा परचेज कर पाएंगे, इसीलिए डिमांड बढ़ जाएगी. एग्जाम्पल देता हूं, सुनना जरा ध्यान से. मेरे पास 100 रुपीज है, मैं पेन परचेज कर रहा हूं, पेन की कीमत 25 रुपए है. मैं 100 रुपीज से ये 4 पेन परचेज कर पाऊंगा क्योंकि पेन की कीमत 2500 रुपए है. अब पेन का प्राइस गिर के 20 रुपए हो गया, मेरी इनकम नहीं बढ़ी, इनकम 100 है, पेन का प्राइस गिर गया, लेकिन मेरे 100 रुपए की परचेजिंग पावर अब 5 पेन की हो जाएगी. अब 100 रुपए से मैं 5 पेन परचेज कर पाऊंगा. सो कहने का मतलब जब प्राइस गिरता है मेरी इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है. क्योंकि मेरी इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है इसीलिए डिमांड बढ़ जाती है. सो ये कारण है प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों आता है, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से आता है और डिफरेंट बायर्स की वजह से. पहले अमीर लोग परचेज करते हैं, फिर मिडल इनकम, फिर लो इनकम, फिर अल्टरनेट यूजेस. एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज हैं. पहले तो हम एसेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, फिर लेस एसेंशियल पर्पस के लिए, नंबर ऑफ यूजेस बढ़ गए. क्यों इनवर्स रिलेशन है? क्योंकि रियल इनकम इफेक्ट इनकम की परचेजिंग पावर की वजह से. लो हाई प्राइस पे इनकम की परचेजिंग पावर कम होती है, लो प्राइस पे इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनवर्स रिलेशन एक्सप्रेस होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में हमने मीनिंग, एजम्पशन, एक्सप्लेनेशन टेबल डायग्राम से करी, उसके बाद एक्सेप्शंस करी, किन केसेस, किन कंज्यूमर, किन कमोडिटीज के ऊपर अप्लाई नहीं करता लॉ, इस लॉ के कारण क्या है. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा. कहीं पे भी कुछ डेविएशन रहता है, रिप्ले करके वीडियो को एक दो बार, तीन बार, चार बार देखें, आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट 100% समझ आएगा, आई एम श्योर. मैं अपने अगले वीडियो के अंदर चेंज इन डिमांड के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, जिसमें एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कशन की जाएगी. टिल देन, गुड डे.